नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडी टाइम्स। मैं हूं आपके साथ अमृता चौहान। ओयो के फाउंडर रितेश अग्रवाल के पिता रमेश अग्रवाल की अपनी सोसाइटी के 20वें फ्लोर से गिरकर मौत हो गई है। इस मामले में कोई सुसाइड बता रहा है तो कोई इसे महज हादसा बता रहा है। गुरुग्राम ओयो रूम्स के फाउंडर रितेश अग्रवाल के पिता रमेश अग्रवाल की DLF के द क्रेस्ट सोसाइटी की 20वीं मंजिल से गिरने से मौत हो गई है। प्रारंभिक जांच में पुलिस इसे आत्महत्या करार दे रही है। ऐसे में पुलिस की थ्योरी और मौजूदा हालात कई सवाल खड़े कर रहे हैं। दरअसल जिस फ्लोर से रमेश की गिरकर मौत हुई है उस अपार्टमेंट से 3.5 फीट की रेलिंग बनी हुई है। पुलिस को इतनी ऊंची रेलिंग से किसी का गिरना स्वाभाविक नहीं लग रहा है। फिलहाल पुलिस ने रमेश के शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये घटना गुरुग्राम सेक्टर 53 थाने की है, जहां के हेड कांस्टेबल प्रवीण कुमार ने बताया कि घटना दोपहर में हुई थी। जब यह घटना हुई उस वक्त रमेश अपनी पत्नी के साथ घर पर ही मौजूद थे। बताया जा रहा है कि रमेश किसी काम से बालकनी गए और अचानक उनके पैर फिसलने की वजह से वो नीचे जा गिरे। जब वह नीचे गिरे तो आसपास के लोग इकट्ठा हो गए और यहाँ पर भगदड़ सी मच गई। लोगों ने उन्हें आनन फानन में हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। इसी बीच पुलिस को भी इसकी जानकारी दी गई। पुलिस ने शव को बरामद किया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को भी सौंप दिया गया है। फिलहाल परिजनों ने किसी पर शक भी नहीं जताया है, ना ही किसी के खिलाफ कोई शिकायत दर्ज कराई गई है। परिजनों ने बताया है कि रमेश को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं थी। हालांकि पुलिस ने CRPC की धारा 174 के तहत मामला दर्ज किया है और जांच शुरू कर दी है। CRPC की इस धारा के तहत पुलिस किसी व्यक्ति की मौत की वजह पता लगाने के लिए करती है। इसमें जांच की जाती है कि व्यक्ति संदिग्ध कारणों से मरा है तो उसकी मौत के पीछे की असली वजह क्या है। अब पुलिस के सामने बड़ा सवाल ये खड़ा हो गया है कि रमेश अचानक से गिरे हैं या उन्होंने खुदकुशी की है, क्योंकि बालकनी जिस तरह से बनाई गई है उससे पुलिस का शक और गहरा हो गया है कि कोई अचानक ऐसे नहीं गिर सकता है। इसीलिए पुलिस आत्महत्या की थ्योरी को भी खंगालने की कोशिश कर रही है और पता करने की कोशिश कर रही है कि रमेश के मौत के पीछे आखिर वजह क्या है। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करें। नमस्कार।